हेलो एवरीवन वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज में जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एस एस के एग्जाम में तो अभी रिसेंटली uh, अब जो आपका अपकमिंग डेज है उसमें इसका एग्जाम कंडक्ट होना है तो जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एक आइडिया देते हैं और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से आपके रिपीटेड होते हैं तो आज जो है मैं आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है इन बिटवीन मैं जैसे हर एक सेशन में आपसे बोलती हूं अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे ना तो जस्ट आस्क डाउट इन कमेंट सेक्शन ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का अपना ये सीरीज तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इन दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दी हिस्ट्री ये बताया था अगर आप लोग आज नए हैं चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज आप जाइए चैनल पे एक बार विजिट करिए एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिलेगा एंशियट हिस्ट्री क्या है उसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाई थी कि हिस्ट्री कैसे डिवाइडेड है थ्री डिफरेंट पार्ट्स में ठीक है तो यहां पर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हम सीपीओ के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्लियर तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर वर एंडेड बाय द ट्रिटी ऑफ सला इस ट्रीटी के द्वारा कौन सी वॉर जो है वो आपकी एंड हुई थी ये बोला गया है अब इसके लिए पहले समझिए देखो जितने भी हमारे इंग्लिश मैन थे यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में ब्रिटिशियस जिन्होंने हमारे ऊपर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में जिसने हमारे ऊपर रूल किया था वो कौन थे ब्रिटिशियस थे एक चीज अपने दिमाग में क्लियर करना कि ब्रिटिशियस इज दी नॉट ओनली दी एम्पायर जो इंडिया में आए थे उसके अलावा फ्रेंच भी आए थे डच भी आए थे पोर्तुगिज भी आए थे बट इनमें आपस में ही सुपरमेसी को लेके वॉर होती है और जो लास्ट तक जीतता है वो रहता है ब्रिटिशर्स इसीलिए ब्रिटिशर्स के बारे में ही हम लोग पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लियर अब देखो यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा है फर्स्ट uh, क्वेश्चन इसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि कौन सी ट्रीटी है जिसके बाद आ, ये ट्रीटी आपकी साइन हुई थी किस बैटल के बाद तो क्या करते थे ना ये इंग्लिश आपके सबसे पहले हम लोगों के बीच में ही ये बैटल कराते थे फूट डालो फूट नीति इनकी सबसे फेमस नीति थी तो बैटल कराने के बाद ये क्या करते थे ये आपकी एक ट्रिटी साइन कर देते थे ठीक है तो हर एक बैटल के बाद आपको कोई ना कोई ट्रिटी देखने को मिली होगी तो दीज ट्रिटीज आर वेरी वेरी वे इंपॉर्टेंट तो देखो सीपीओ में क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑफ किसके वॉर के बाद हुई थी ऑप्शन देखेंगे आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ठीक है नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद सेकेंड है आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड लास्ट वन इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी बैटल्स को भी तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो मराठा एम्पायर था ये इंगेज थे आपके इन्होंने बहुत सारे कॉम्बेट से लड़ाई करी जिसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इज वन ऑफ द फेमस तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी इन ईयर ऑफ 1775 में जिसमें यहाँ पर एंटर हुआ थे आपके कौन ब्रिटिशर्स फोर्स अंडर कॉलोनियल रोबर्ट्स क्लाइव जो थे वो उसके लीडरशिप थे उस समय तो उनके लीडरशिप में ब्रिटिशर्स आपके इंडिया में एंटर करते हैं और एंड होती है ये वॉर आपकी 1782 में तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कब से कब तक ये वॉर चली थी तो 1775 से ये आपकी एंड हुई थी सेवनटीन में यहीं पर ही आपकी ट्रिटी साइन करी गई थी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिटी ऑफ सलबी तो मराठास जो थे यहां से इन्होंने क्या किया ब्रिटिश डिफेंस एट पुणे टू स्टार्ट वॉर इन रिस्पॉन्सपॉन्स में क्या हुआ था ब्रिटिश ने डिस्पैच कर दिया था आर्मी लैंड बाई देंटिंग टू लिफ्ट साइज तो ये चीज यहां पर हुई थी सिंपल वर्ड में समझिए ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया में वॉर करते थे हमारे ही इंडियंस को आपस में लड़ाते थे और जब ये हार जाते थे तो कोई एक ट्रिटी साइन करके ये उस जगह से अपना दूसरी जगह पर चले जाते थे यही इन्होंने यहाँ पर भी किया जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये आपकी मराठा एम्पायर के साथ एंगेज थी और इन्होंने आपकी लड़ाई करते रहे जहां पे आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई जो आपकी स्टार्ट हुई थी 1775 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटिशर्स जो है ये कब आए थे इंडिया में ये सिक्सटीन में आए थे ठीक है तो यहाँ पर 1775 में इन्होंने स्टार्ट किया एंटर करना और ब्रिटिशर्स फोर्स के साथ इन्होंने वॉर किया और 1782 में जब ये जीत नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया आपकी पर्टिकुलर ट्रीटी साइन करी और उस जगह से आपके चले गए ठीक है नाउ यहां पर आपका इंपॉर्टेंट एक था बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो ये ध्यान रखना है टोटल आपकी तीन बैटल हुई थी पानीपत की ठीक है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी वन प्लीज आंसर करिए इन कमेंट सेक्शन कि कितनी कब कब हुई थी 1556 1526 मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में तीन बैटल ऑफ पानीपत कब कब हुई थी आपकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर आप इस बार एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो यू शुड नो कि बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही हमारे इंडिया में मुगल्स का स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होता है जो बाबर के और इब्राहिम लोधी के बीच में होती है तो आपको ध्यान रखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में यहाँ पे बोला है तो मराठा एम्पायर और यहाँ पे जो दूसरे दुरानियन एम्पायर थे इनके बीच में हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें आपका कब हुई थी ये फोर्टीन जनवरी 1761 सिक्सटी वन में हुई थी नेक्स्ट अनदर बैटल है दैट इज बैटल ऑफ बक्सर तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी अक्टूबर 22 से लेके 23 तक 1764 में हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी अगेन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और दी हेक्टर जो थे, उनकी आर्मी के बीच में ये हुई थी मीर से आपके थे और 1764 और 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 सुजा, आ, दौला फिराजुद्दीन दौला और मुगल एम्पर और शाह आलम सेकिन ये हमारे यहाँ से लड़ रहे थे तो इनके बीच में आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी आपको बस ध्यान रखना है 1764 में तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही इन लोगों को यहां पर आपकी और ज्यादा पावर मिलने लगती है ये डुअल सिस्टम स्टार्ट करते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइ ठीक है उसके बाद अगला है देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो ऑप्शन में दिया गया था तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किस किस कब हुई थी 1803 से लेकर आपको ध्यान रखना है 1803 से लेकर 1805 तक हुई थी ठीक है ये किस किस में किस किस के बीच में हुई थी ये आपकी हुई थी मराठा एंपायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों एक दूसरे के ऑड इश्यूज को लेके यहां पे वॉर कर रहे थे

जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम किसने फाउंड किया है मदन मोहन ने कौन सी यूनिवर्सिटी है? है. तो है, है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपने सुना भी होगा तो यहाँ पर क्या है देखो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है रिसर्च सेंटर है यहाँ पे इसके मेडिकल हैं आपका बहुत ही फेमस ये पूरी बी एच यू यूनिवर्सिटी है आपकी तो ये कब बनाई गई थी ये आपकी बनाई गई थी 1916 1916 में में ठीक है 1916 में ये आपकी फाउंड करी गई थी ये एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1898 में बाय एनी बेसेंट के द्वारा एनी बेसेंट एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है जिनका मेन रोल आता है आपका होम रूल लीग और थियोफेसिस्ट में ये फॉलोइंग करते थे एक्सक्लूजन ऑफ बेसिन को एंड हर कलीफ मदन मोहन मालविया ने फाउंड किया था इस इंस्टीट्यूशन का तो एनी बेसेंट के ही कलीग थे ये जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया था ही टूक द फाइनेंस असिस्टेंट ऑफ द किंग ऑफ दौरंगा रामेश्वरम सिंह बनारसी प्रभु नारायण सिंह एंड दी सुंदरलाल जो ये यूनिवर्सिटी है ये आपकी वन ऑफ एट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आती है दैट इंडियन गवर्नमेंट है डेजिग्नेटेड एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस तो मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में आज भी ये इंडिया के आती है क्लियर चलिए अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए थे डेली यूनिवर्सिटी नाउ अगर क्वेश्चन आता है कि डेली यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी तो ये सेंट्रल कॉलीगेट यूनिवर्सिटी है द एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन दी नाइनटीन ट्वेंटी टू तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एन नंबर ऑफ दी कॉलेजेस है जिसमें डी के कुछ कॉलेजेस का रैंक वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा है तो आज यहाँ पर बच्चे अपने एडमिशंस के लिए काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं बिकॉज अब पहले तो आपके अच्छे परसेंटेज के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था नाउ दे रिमूव द परसेंटेज सिस्टम एंड कंडक्ट वन पर्टिकुलर एग्जाम दैट इज नोन एज सी ठीक है तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे बनाई गई है अगली आती है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी तो चंडीगढ़ जो पंजाब पंजाब आपका चंडीगढ़ में दे इज अ पब्लिक स्टेट इंस्टीट्यूशन कॉल दी पंजाब यूनिवर्सिटी तो जो इसके रूट हैं ये कहाँ से बनी है 1882 में स्टैब्लिशमेंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का इन लाहौर में किया गया था ठीक है लास्ट इज जो लास्ट यूनिवर्सिटी थी आपकी सांबलपुर ये आपकी सिचुएटेड है कहाँ पे बुरूला टाउन जो कि आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबलपुर इन उड़ीसा में ठीक है, 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 ये आपकी कहां पर लोकेटेड लोकेटेड उड़ीसा में है. क्लियर? चलिए तो अब समझ आ गया होगा सारी यूनिवर्सिटीज कैसे बनाई गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वॉज फर्स्ट संग एट दैट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको पता होगा जो मन हमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द फेमस पर्सन तो रविंद्रनाथ टैगोर को मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको आर भी लिखती हूँ मैं इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी रविंद्राथ टैगोर ही वो पर्सन है जिन्होंने आपका जनगणन मन लिखा था ओरिजिनली ये आपका बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था बाद को बाद में इसको हिंदू में हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पर्सन है जिन जो बहुत ही अच्छी पोइट्री और लिटरेचर करते थे इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है गीतांजलि वन ऑफ ऑफ द फेमस बुक रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पर्सन है जिन्होंने महात्मा गांधी को गांधी का टाइटल दिया था ठीक है तो ये सब क्वेश्चन लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिलेटेड टू द रविन्द्रनाथ टैगोर अब इस क्वेश्चन में बोला है जनगणन मल फर्स्ट संघ हुआ था कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो आईएनसी जो है आपकी वन ऑफ वेरी वेरी फेमस और ओल्ड कांग्रेस है जो आपकी 1885 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसने किया था आपका किया था ने ठीक है तो एक क्वेश्चन से आपको मल्टीपल नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन होती है अब आपको ऑप्शन बताना है कलकत्ता लाहौर बेलगम या फिर त्रुपली कहां पर पहली बार आपका ये जनगण मन संघ जो है वो गाया गया था चलिए देखते हैं कहां पर था करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका कलकत्ता तो नेशनल एंथम जो है इंडिया का फर्स्ट हुआ था 27 दिसंबर 1911 को एदिक कोलकाता सेशन में पहले इसका नाम कोलकाता था अब इसको चेंज कर दिया गया है कलकत्ता ठीक है कलकत्ता या कोलकाता अभी भी हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे सबसे पहले गाया गया था अब यहां पर देखिए नेशनल एंथम जो है इंडिया का जनगणन मन ये कंपोज था ओरिजिनली बंगाली में जैसे मैंने आपको बताया ये ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था बाद में इसको कन्वर्ट करा गया किसमें हिंदी लैंग्वेज में ये अडोप्ट हुआ हिंदी वर्जन में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश हो गई थी कब हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसके दो दिन बाद जस्ट टू डेज बिफोर आफ्टर दैट 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद इसको आपका आपका किसमें कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी वर्जन में क्लियर चलिए अब बात करते हैं लाहौर सेशन के बारे में लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपका कब हुआ था 1929 में हुआ था इसके जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे इन्होंने क्या किया था आपका एक रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज के लिए इसीलिए हम 26 जनवरी को ही हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं बिकॉज ये हिस्टोरिकल उसके पीछे का रीजन है तो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट जो है ये कंप्लीट हुआ था इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च ये जो है आपका डिसाइडेड था कि 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व एज दी इंडिपेंडेंस डे इसीलिए 26 जनवरी को हमने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे बट वो नहीं हो पाया तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे इसीलिए मनाते हैं बिकॉज जब लाहौर सेशन हुआ था इसका आईएनसी का तो इसी जिस दिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको प्रिजाइड किया था 26 जनवरी को हुआ था इसी दिन हमने रेजोल्यूशन लिया था पूर्ण स्वराज का इसीलिए हम ट्वेंटी जनवरी को ही आपका रिपब्लिक डे मनाते हैं ठीक है अब बात करते हैं बेलगम सेशन के बारे में जो 1924 में हुआ था ये सेशन प्रिजाइड किया था किसने एक ओनली सेशन था ओनली सेशन जो कि प्रिजाइड हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा ठीक है उसके बाद है आपका तिरुपुरी सेशन तो इसको किसने प्रिजाइड किया था सुभाष चंद्र बोस जो है वो आपके री इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ आई के एंड तिरुपुरी सेशन इन 1939 में ये डिफीट किया था इन्होंने गांधी जी को कैंडिडेट पत्ता भरी सिरोमेला में

अनदर क्वेश्चन के ऊपर देखो सती प्रथा अंडर दी गवर्नर जनरलशिप ऑफ देखो सती प्रथा अगर गवर्नर जनरल की जगह पर हम इंडियंस की बात करें कौन थे वो इंडियन जिन्होंने आपका सती प्रथा को एंड किया था राजा राम मोहन रॉय है ना तो इंडियंस में थे राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को एंड किया था सती प्रथा एक्चुअल में क्या होती थी अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वुमेन को भी उसके साथ ही क्या करना पड़ता था अपनी लाइफ का एंड करना पड़ता था तो इन चीजों से बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा आपकी ये चीजें फैल रही थी तो यहाँ पर हमारे राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने सती प्रथा का इंडिया में एंड किया था इसके साथ गवर्नर जनरल भी एक थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सती प्रथा को एंड करने के लिए इंडिया में तो कौन थे उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है तो बहुत ही फेमस थे वो लॉर्ड विलियम बैंकटिंग लॉर्ड एलनड्रोफ लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड मेटकेल्फे तो आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर इफ़ एटीन ट्वेंटी नाइन तो मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय को हम लोग फादर ऑफ बंगाल रेनेसिस भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए वुमेन की एजुकेशन के लिए वुमेन्स को सती प्रथा को एंड करने के लिए ये वर्क फॉर दी अपलिपमेंट ऑफ वुमेन पोजिशन इन सोसाइटी सोसाइटी में वुमेन की पोजिशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है ये आपका इन्होंने काम किया अगेंस्ट दी पॉलीगेमी चाइल्ड मैरेजेस पैदा और सती प्रथा के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है ये वर्क करते थे इन इट इज हिज वर्क दैट लेड टू दी एबॉलिश इन सती प्रथा इन इंडिया इन्हीं के काम की वजह से उस समय के टाइम पीरियड में सती प्रथा का एंड हुआ था इंडिया में तो गवर्नर जनरल में अगर अगेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में रिपीटेडली तो विलियम बैंकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किसने किया था तो यू शुड नो की सती प्रथा का एंड करने वाले राजा राम मोहन रॉय थे जिनको हम फादर ऑफ बैंगलिस भी बोलते हैं ठीक है चलो अब यहाँ पर देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाऊंगी लॉर्ड विलियम बैंकटिन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं देखो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे क्यों क्योंकि इसके बाद आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 में इन्होंने क्या किया इन्होंने एबॉलिश किया सती प्रथा को एलिमिनेशन किया ठग्स को चार्टर एक्ट ऑफ एटीन जो है वो पास किया जिसमें आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे ठीक है देखो ऐसे समझिए जब सेवनटीन में सबसे पहले क्या किया गया था 1773 में सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे 1773 में अब उसके बाद क्या हुआ था 1833 में उसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो आया था 1833 में इसमें हमारा क्या कर लिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था ठीक है तो मैक्लेरी ने यहां पे रिकमेंड किया था इंग्लिश वास मेड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द हायर एजुकेशन इन्हीं को हम लॉर्ड विलियम बैंकिंग को एक और नेम से जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया तो एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन की फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसको बोलते हैं कौन से थे वो पर्सन तो आपको ध्यान रखना है विलियम बैंकिंग इन्होंने वर्क किया था अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्रीफाइसेस और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के ऊपर नोन टू तो बी दी मोस्ट एंड लिबरल गवर्नर जनरल इन इंडिया तो इतने सारे जितने भी हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल आए उसमें सबसे लिबरल और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है वो यही है तो इनके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड मेट के ऊपर ये पास द प्रेस एक्ट ऑफ एटीन थर्टी फाइव ऑल्सो नोन एज मेट एक्ट ये नोन है एज एन लिबरेटर ऑफ प्रेस इंडिया के नाम से इनको हम जानते हैं अगले लॉर्ड जो वहां पे दिए गए थे ऑकलैंड इनके बारे में ध्यान रखना है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी इनके टाइम पीरियड में ठीक है एंड लास्ट वन जो है लॉर्ड इलेन गोर्फ इनके बारे में क्या ध्यान रखना है वर्क ब्रॉड एंड ऑफ एंग्लो अफगान वॉर जो इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी इनके टाइम पे आपकी एंड हुई थी यहीं पे ही एनेक्शन हुआ था सिंध के ऊपर ग्वालियर कैंपेन चले थे एबॉलिश हुआ था आपकी स्लेबरी का तो यहां पर जो चारों आपको एग्जाम में दिए गए थे प्रीवियस ईयर में चारों आपको एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसी से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दॉट ट्रू अबाउट ए सी राजगोपालचारी तो सी राजगोपालचारी के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड लास्ट वन वॉज दी फर्स्ट रेसिडियंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड देखो क्या होता है सबसे हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्ड इंडिया का है आपका भारत रत्न ये ध्यान रखना, award यहाँ पे आया है, तो ध्यान रखना है उसके बाद फर्स्ट हाइएस्ट के बाद सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड में आपके आते हैं पदमा एवॉर्ड ठीक है Padma award. तो पदमा एवॉर्ड में आपके तीन चीजें आती है क्या आता है यहाँ पर एक दिया पद्मश्री एक आता है आपका पद्म विभूषण एक आता है आपका पद्म विभूषण एंड एक आपका आता है पदमा भूषण तो ये आपको ध्यान रखना है तीन हाईएस्ट अवार्ड कौन कौन से हैं सबसे पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इस भारत रत्न उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड में पदमा अवार्ड आते हैं जिसमें पद्म पदमा अवार्ड में आपके आएंगे पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड लास्ट वन इज पद्मश्री ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, तो आप uh, है यानी आपके करेक्ट है ये पहले ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इन्होंने ही फाउंड करी थी स्वतंत्रता पार्टी यही आपके सीनियर लीडर थे आपके कांग्रेस के बट लास्ट पॉइंट इनके बारे में इनकरेक्ट है ठीक है चलो अब देखते हैं फिर करेक्ट क्या है तो सी राजगोपालाचारी एक्चुअल में थे कौन ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे फ्रीडम फाइटर थे ये आपके मेंबर थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मद्रास से थे ये ठीक है ये ही आपके सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्होंने ही फर्स्ट और लास्ट जो इंडियन गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के ये आपके बहुत फेमस नोन थे क्यों नोन थे बिकॉज फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रपोजल टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द All India Muslim League and Indian National Congress in 1944 to so इन्हीं का एक फॉर्मूला इन्होंने जो मेथड अपनाया उसकी वजह से ये बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी और जो प्रॉब्लम थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में 1944 में वो इन्हीं के लीडरशिप के टाइम पे सॉल्व हुई थी इसीलिए हम लोग इनको एक और नाम से जानते हैं राजगोपालाचारी फॉर्मूला तो कभी भी एग्जाम में आए राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था तो आपको बैक ऑफ दी माइंड क्या क्लिक करना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सॉल्व करने वाले पर्सन यही थे ये आपके वन ऑफ दी फर्स्ट रेसिपियंट थे जिनको भारत रत्न मिला था समझ में आ रहा है इन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन में एग्जाम में पद्मश्री तो पद्मश्री नहीं फर्स्ट अवार्ड जो इनको दिया गया था वो था आपका भारत रत्न अलोंग अलॉन्ग विदर्वपल्ली राधा कृष्णानंद और सी वी रमन इन 1954 अब यहां पर आप एक बार देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट तो भारत रत्न मैंने आपको बताया भारत रत्न क्या होता है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो इंडिया में दिया जाता है तो सबसे पहले किसको दिया गया था एग्जाम में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है तो तीन पर्सन थे एक है आपके सी राजगोपालाचारी ठीक है दूसरे हैं आपके सीवी रमन और हमारे तीसरे हैं हमारे लास्ट जो आपको ध्यान रखने हैं एस सरोपल्ली राधा कृष्णानंद यहाँ पे लिखा है मैं आपको दिखा देती हूँ लुक एट दिस सरोपल्ली राजगोपालाचारी भारत रत्न अलोंग विद दी सरोपल्ली राधा कृष्णानंद सरोपल्ली राधा कृष्णानंद ही हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के

अब यहां पर देखिए ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड तो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको दिया गया है फॉर द तमिल लैंग्वेजेस फॉर इज वर्किंग रीटेलिंग ऑफ द रामायण चक्रवर्ती तो इसके लिए आपको इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है इन्होंने आपका फाउंड किया था स्वतंत्रता पार्टी 1959 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता पार्टी किसने बनाई थी इन्होंने बनाई थी 1959 में ठीक है यही उसके फाउंडर भी थे क्लियर तो अब यहाँ पे आपको इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्लियर है ना कि भारत रत्न कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है तो इसको एक बार आप थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए मैं यहाँ पे आपको और ब्रॉडली इसको समझाती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें पिक्चर क्लियर कर देती हूँ इस बार किसको दिया गया है और ये होता क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है ठीक है तो मे बी दे देखे नास्क अगेन दिस इयर भारत रत्न तो भारत रत्न जब यहां पर आया है तो मैंने आपको बताया फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट हाइएस्ट अवार्ड ऑफ सिविलियन इज भारत रत्न इसके बाद सेकेंड कौन से आते हैं सेकेंड में आपके आते हैं पदमा अवार्ड ठीक है तो पदमा अवार्ड में आपके आते हैं कौन कौन से पद्म भूषण पद्म विभूषण एंड लास्ट वन इज पद्मश्री ठीक है तो सबसे पहले जिसको दिए गए थे ये फर्स्ट रेसिपियंट थे आपके पद्म अप, जिनको भारत रत्न दिया गया था तो सबसे पहले कब दिया गया था, कब दिया गया था? 1954 में दिया था तो एग्जाम में आता है कि किस किस पर्सन को दिया था तो आपको क्या ध्यान रखना है कौन कौन थे वो पर्सन सी राजगोपालचारी मैं ऐसे लिख दे रही हूँ उसके अलावा आपके दो पर्सन कौन थे सीवी रमन एंड लास्ट वन इज एस सरोपल्ली डॉक्टर सरोपल्ली राधा कृष्णानंद ठीक है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णानंदी कौन थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ठीक है अभी प्रेजेंट में किसको दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट में जो अभी दिया गया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर एल के आडवाणी मदन मोहन मालवी एम एस एम एस स्वामीनाथन इन चार लोगों को अभी दिया गया है तो इनके अलावा जिनको दिया है आप एक बार मुझे बताएंगे कमेंट में कौन है जिसको दिया गया है आफ्टर दी डेथ बताएंगे आप लोग क्या है इसका करेक्ट आंसर ठीक है एक क्वेश्चन मैंने देख लिया बट इसको आपको ध्यान में रखना है ये जो चार्ट मैंने आपको समझाया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे हु इज द फाउंडर ऑफ वाका डायनेस्टी इन दी थर्ड सेंचुरी तो वाका डायनेस्टी एक फेमस डायनेस्टी थी आपकी साउथ की तो इसमें पूछा है कि कौन थे आपके फाउंडर वाका डायनेस्टी के तो देखो जब एग्जाम में ये प्रीवियसर का सेशन है ना तो इसमें क्या होता है कि मिक्सड होते हैं क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के भी होंगे एंशियट के भी होंगे और मेडेवल के भी होंगे तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है तो पूछा है कि वाका डायनेस्टी थर्ड सेंचुरी में जो थी इसके फाउंडर कौन थे पहला है नागाट्टा दूसरा है विद्या शक्ति उसके बाद है आपका प्रवन सेना सेना एंड लास्ट वन इज रुद्र तो आपको बताना है इसमें से क्या है इसका करेक्ट आंसर चलिए डिस्कस करते हैं विद्याशक्ति वॉज फाउंडर ऑफ वाका डायनेस्टी इन थर्ड सेंचुरी वाका टक्का एम्पायर जो है जो ये डायनेस्टी है ये इंडियन सब में स्टार्ट हुई थी मिड थर्ड सेंचुरी में फ्रॉम दी ये आपकी स्टार्ट हुई थी ये एकमात्र उस समय की ब्राह्मण डायनेस्टी थी मैंने आपको बताया था ना वर्णाश्रमेगरी में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था ब्राह्मण का काम था पढ़ाई करना क्षेत्रीय वैश्य वैश्य का काम था आपका बिजनेस करना शुद्र का काम था सबकी सेवा करना तो इस समय इसीलिए ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी तभी एक फेमस डायनेस्टी है इट इज नोटेड दैट दाका टक्का वर्स पेट्रोन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर जो यहाँ पे अंडर दोज ऑफ एम्पायर वाकाटा का हरिसेना हरिसेना जो है एक फेमस आपका रॉक कट बुद्धिस्ट विहारा और चैत्यास बनाए गए थे अजंता केव के पास जो अजंता केव अभी आपकी क्या है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यहाँ पर बनाई गई है तो नागा भट्टा वन जो है ये आपके एक इंडियन किंग थे जिन्होंने आपको फाउंड किया था प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ दर एम, गुजरा तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो अगर आप लोगों को कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो जस्ट आज यूर डाउट इन द कमेंट सेक्शन तो आने वाले सेशन में और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू